Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to start our chapter number 20, and that is chromosomes and DNA. What are chromosomes basically? First of all, हम इसके लफ्जी मतलब की तरफ जाते हैं. लफ्ज क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर. सोम्स बॉडी. तो क्रोमोसोम्स क्या हुए? कलर्ड बॉडीज. Why are we calling that colored bodies? Because जब कभी आप इसको किसी भी सेल डिवीजन के फेज में देखते हैं तो आपको इनकी जो बॉडीज हैं वो स्टेन नज़र आती हैं, कलर्ड नज़र आती हैं, और बगैर कलर के आपको नज़र नहीं आएंगे. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कलर्ड बॉडीज. इनको देखा ही सबसे पहले इस तरीके से किया था, दैट वाई इनको नेम दिया गया क्रोमोसोम्स. और DNA is what? Deoxyribonucleic acid, that is DNA. So DNA is a very important constituent of your body. All the genetic information which is actually transmitting from your father to the offspring, or from the ancestor to the descendant, all of these information is basically coded inside the DNA. और DNA के नतीजे में ही ये तमाम जो आपके पास information है ये जाती है अगली generation के पास, और यही basic constituent होता है आपकी gene का. And what is a gene? Gene is the basic unit of inheritance. So guys, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपके पास जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो वेल्डर फ्लेमिंग था, उसने 1882 में उसने एग्जामिन किया एक डिवाइडिंग सेल ऑफ सेलेमेंडर लार्वा, और उसके अंदर उसने डिस्कवर किया देवर क्रोमोसोम्स. और उसने कहा कि जो तमाम आपके पास यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर क्रोमोसोम इस तरह प्रॉपर पैटर्न में मौजूद होते हैं, और ये वेरी करते हैं इनके नंबर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर. जैसे इंसान के अंदर हम लोग कहेंगे 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 के जोड़े हैं, यानी कि 2 के 23 जोड़े. अब इस तरह हमारे पास पेनिसिलियम जो है फंगस, और इसके अंदर सिर्फ एक पेयर होता है क्रोमोसोम का. वाइल सम ऑफ द फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर्स. कुछ फर्न्स आपके पास ऐसे होते हैं प्लांट्स जिनके अंदर 500 पेयर तक भी हो सकते हैं क्रोमोसोम के. इसी तरीके से मॉस्किटो के अंदर 6, हनी बी के अंदर 32, कॉर्न के अंदर 20, शुगर केन के अंदर 80, फ्रॉग के अंदर 26 और माउस के अंदर 40 होते हैं, जबकि इंसानों के अंदर ये 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के. सो इसकी जो शक्ल है वो आप लोगों को नजर आएगी. आप लोग कॉमनली इसकी शक्ल इस तरीके से देखते हैं कि आपके पास दो क्रोमाटिड्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड. डायग्राम मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ गलत हो रही है, उसको हम दोबारा देखते हैं. एक कैंडी बार के, सर आप लोग केमिस्ट्री के अंदर शेल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो उस टाइप का आपके पास एक क्रोमोसोम है, सेंटर में एक सेंट्रोमेयर है. ऑलराइट गाइस, ये डुप्लेट की सूरत में भी पाया जा सकता है कि इसके साथ एक और क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो. ठीक है जी. सो मिसाल के तौर पर हम इसको बना लेते हैं ऐसे, और दूसरी साइड से वो निकला हुआ, और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच, किस पॉइंट में दोनों एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर पे अटैच है. इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये क्रोमाटिड्स हैं. ठीक है जी, क्रोमाटिड्स और सिस्टर क्रोमाटिड्स हम कह सकते हैं, बिकॉज साथ साथ है ना. सेंटर में जो पॉइंट इन्हें जोड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर. ओके, इसी तरीके से हमारे पास जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए, तो इनके ऊपर क्या मौजूद होता है? इनके ऊपर जीन्स होती हैं. अल्टीमेटली उसमें DNA होएगा, और ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करें. क्रोमोसोम की ना कुछ टाइप्स होती हैं, यानी कि इसकी शक्लें मुख्तलिफ तरह की होती हैं. एक ऑर्गेनिज्म की जो पूरी एरे है क्रोमोसोम की, यानी कि पूरी वो वैरायटी जो उसके अंदर पाई जाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं एक स्पेसिफिक, जो कि है कैरियोटाइप. ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है, दो नंबर की डेफिनेशन आ सकती है. कौन कौन सी टाइप्स हैं? या आपके पास जो है वो हो सकते हैं टीलोसेंट्रिक, जिनके बिल्कुल टॉप पे आपका सेंट्रोमेयर होगा. हम इनको बना लेते हैं. ठीक है जी, टीलोसेंट्रिक, इसको मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, इनके नाम जो है वो टी से, टीलोसेंट्रिक. ठीक है जी, इसी तरीके से मेरे पास होंगे एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक कैसे होंगे? वैसे मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है, इसके टिप से थोड़ा सा नीचे आपके पास सेंट्रोमेयर पाया जाएगा, इसको मैं क्या कहूंगा? एक्रोसेंट्रिक ए. ओके, इसी तरीके से मेरे पास होंगे जिसको मैं नाम दूंगा सब मेटासेंट्रिक, यानी कि ये मेरे पास है क्रोमोसोम. ठीक है, इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आपके पास जब सेंट्रोमेयर होगा तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? सब मेटासेंट्रिक. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेंटर में जब होगा, यानी कि मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमेयर पर, इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक. क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर क्रोमोसोम. सो ये आपके पास जो है एक वैरायटी है क्रोमोसोम की, या आप लोगों को इसकी नेम्स जो है वो याद रहने चाहिए. अच्छा, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गिवन हो. अच्छा, एक और चीज़ भी हम लोग इसे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम लोग एनाफेज के अंदर इसको देखते हैं तो आपको ये आई जे एंड वी शेप में मिलते हैं. आई जे एंड वी शेप ये मैंने तो बनाए हैं सीधे. अब इसके साथ साथ आपको ना इनके कोई अल्टरनेट भी नजर आएंगे. जैसे आपके पास मेटासेंट्रिक बिल्कुल है तो वो ऐसे उल्टा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर इस तरीके से यहाँ पे हो उसका सेंट्रोमेयर और वो इस तरह अटैच हो, ये उसको आप सीधा करें वी ए. इसी तरीके से जे शेप आपके पास होंगे. ठीक है, इसी तरह से आई शेप. सो ये इस तरह से क्रोमोसोम की हम जो डिफरेंट जो है वो नेमिंग देते हैं. ठीक हो गया जी.
अब इसकी बेसिकली कंपोजिशन जो है वो क्या करती है, कंपोजिशन जो है वो किस चीज से के मिलके बने हुए होते हैं क्रोमोसोम, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये सारी डेफिनेशन है छोटी छोटी, लिहाजा आप लोगों ने ये सारी दो नंबर के वाले से याद करनी। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस चीज को डिस्कस करेंगे, जो क्रोमोसोम है उनमें डीएनए और प्रोटीन होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, एक इसके अंदर है डीएनए प्लस प्रोटीन, दो पार्ट्स हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। 60% प्रोटीन होता है, 40% डीएनए होता है, परसेंटेज भी हम लोग लिख लेते हैं ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। इसी तरीके से वो आपसे कहता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है क्रोमोसोम के अंदर, और आरएनए सिंथेसिस वगैरह। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज वन ऑफ वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर जो कि इन एक्सटेंड करता है एंड ब्रोकन थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। पूरे क्रोमोसोम के अंदर एक ही लेंथ पाई जाती है, ऐसे नहीं है कि जोड़ लगे हुए, एक ही डोर है जो कि पूरे क्रोमोसोम को एक्सटेंड कर रही है। बेसिकली प्रोटीन मिल जाते हैं इकट्ठा होकर डेंस होकर, तो यही तो चीज है क्रोमोसोम, सिर्फ एक शक्ल बनी हुई है इन दोनों से बनी हुई ठीक है। जिस तरह आप लोग आटे से कोई भी चीज बना लें, तो उसी तरीके से ये दोनों चीजें पकड़े आप क्रोमोसोम की कोई भी शक्ल बना लें ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास जो क्रोमोसोम है वो उनकी कंपोजिशन पाई जाती है। सो टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम जो है 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पर कंपोज्ड होता है, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पर कंपोज्ड होता है एक ह्यूमन क्रोमोसोम। समझ आ रही है बात, ह्यूमन क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो 140 न्यूक्लियोटाइड पे जो है वो कंपोज्ड होता है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये इतनी इंफॉर्मेशन है कि 280 प्रिंटेड बुक्स लिख सकती हैं हम लिख्स के ऊपर, और 1000 पेजेस होंगे हर एक किताब के अंदर, और हर एक पेज पे 500 अल्फाज होंगे। ये कितनी बड़ी आपके पास जो है वो एक जो है एक हाइपोथेसिस है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जो है वो लेंथ के ऊपर दी हुई है, एक क्रोमोसोम की डीएनए की लेंथ के ऊपर गिवन है 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। और वो कहते हैं कि अगर आप लोग एक सिंगल क्रोमोसोम को आप लोग खोल दें तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन वो सारे का सारा जो है वो एक छोटे से यानी कि सिर्फ कुछ एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है वो उसको हम लोगों ने कंजस्ट करवाया होता है। ये नेचर का काम है। और डीएनए का जो फाइबर है वो इतना टाइटली क्लोज कैसे होता है, जेनेटिकली भी हम लोग देख लेंगे वो बड़ा डिस्टरप्ट होता है, जेंटली डिस्टरप्ट ऑन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड एग्जामिन द डीएनए विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग देखेंगे कि रिजेंबल करता है एक स्ट्रिंग ऑफ बीट्स पे। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ बीट्स से क्या मुराद है, यानी कि एक किस तरह होती है ना, यानी कि तस्वीर टाइप या मतलब मोतियों की एक माला सी, उस टाइप से आपको ये नज़र आता है। बेसिकली इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्ट है, उस सेंटर पार्ट के इर्द गिर्द कुछ और है, उसके इर्द गिर्द कुछ और है। मिसाल के तौर पर हम इसको बेस से लेके चलते हैं, तो आपके पास सबसे हम इसको बिठा लें सबसे अंदर, यानी कि मैं मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम बना रहा हूं, एक सिंपल क्रोमोसोम ठीक है, सेंटर में से अटैच है। मैम इसकी एक जगह छोटी सी ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं लेके आता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, ये आगे बढ़ा करके हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यूं कॉइल है ऐसे ठीक है। इस कॉइल के अंदर फिर क्या होगा, इस कॉइल के अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो क्रोमाटिन मटेरियल है, ये क्रोमाटिन मटेरियल है ठीक है। इस क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर फिर क्या है, इसके अंदर क्रोमाटिन फाइबर्स हैं। क्या है इसके अंदर क्रोमाटिन फाइबर्स, किस तरीके से आपको नजर आएंगे वो, लाइक दिस। इसके अंदर सारे का सारा प्रोटीन और डीएनए जो है वो मौजूद है ठीक है। सो इस तरीके से ये क्रोमाटिन फाइबर्स हमारे बने। इसके बाद फिर हम लोग आगे अगर इसको भी एग्जामिन करें खोल के देखें, तो फिर आपको कैसे नजर आएगा ये कि सेंटर में एक आपके पास क्या है, एक हमारे पास सेंटर में हिस्टोन प्रोटीन है और उसके गिर्द यूं डीएनए जो है वाइंड हुआ, हिस्टोन प्रोटीन उसके गिर्द डीएनए वाइंड, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए वाइंड, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए अगेन 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 इस तरह से। अब ये सारे हमारे पास जो है हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स ठीक है जी, और इनके इर्द गिर्द जो आपके पास लाइनिंग हुई हुई है वो किसकी है, दैट इज ऑफ डीएनए ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। ये न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने ये भी याद रखनी है। अच्छा, ये दो तरह का हो सकता है, हाईली कंडेंस पोर्शन जो होता है ना क्रोमाटिन का, उसको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोक्रोमाटिन, और जो आपके पास रिमाइंडर जो बाकी का क्रोमोसोम का हिस्सा है उसे यूरोमेटिन कहते हैं, यानी कि हेट्रोक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के अलावा जो बाकी का हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमाटिन।
ओके सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस. और इसी तरह से एक और डेफिनेशन हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसोम की है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको आप लोगों ने याद रखना है. और एक और आपके पास डेफिनेशन है कि जो कॉइलिंग होती है स्ट्रिंग के अंदर न्यूक्लियोसोम की, वो रैप की जाती है एक मजीद हाई ऑर्डर के अंदर जिसको हम लोग नाम देते हैं सुपर कॉइल्स. सुपर कॉइलिंग इसकी होती है जिसके नतीजे में बहुत बड़ी लेंथ जो है वो एक छोटे से सेल के अंदर जो है वो कंजस्ट हो जाती है, वो उसके अंदर जो है वो एंटर हो जाती है, हम उसको कंजस्ट करवा देते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, द इंट्रोडक्शन एंड द फिजिकल कंपोजिशन एंड ऑल द जेनेटिक बेसिस ऑफ अ क्रोमोसोम. फॉर फर्दर लेक्चर स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.